नमस्कार दोस्तों, 25 अगस्त 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है द अगली फेस ऑफ अ क्राइम फाइटिंग मूवी। मैं बोलूंगा आज का सबसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल यही है। यहाँ पे एक नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की बात की जा रही है। इस प्रकार के सिस्टम हमारी पुलिस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज करती हैं, और ये सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है इसको यहाँ पे फैजल मुस्तफा साहब ने बताया। मैं बोलूंगा आज का बेस्ट इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, तो इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट, आर्कटिक कॉपरेशन को लेकर यहाँ पे एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है। इस क्लाइमेट चेंज के चलते ही जो आर्कटिक का इलाका है, नॉर्थ पोल के आसपास का इलाका है, यहाँ की इकोलॉजी कैसे बदल रही है और यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स कैसे अपना रोल प्ले कर रही है, इन चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे लेबनन की। लेबनन की क्राइसिस बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। इकोनॉमिक कोलैप्स तो वहां पे हो ही रहा है, उसके साथ साथ आप देखोगे तो ओवरऑल पॉलिटिकल क्राइसिस भी वहां पे बहुत बड़ी हुई है, और बहुत ज्यादा सेक्टेरियन है आपके लेबनन की पॉलिटिक्स। जो उनके अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं ना, वो अपने बीच में कोई एक प्रॉपर मिडिल ग्राउंड नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो लेबनन की क्या पॉलिटिक्स है, क्या लोकेशन है, इसको हम लोग समझेंगे। फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो कास्ट सिस्टम का क्या लॉजिक है, क्यों हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के द्वारा कास्ट के मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है, और कास्ट सेंसस हम करवाते हैं तो उससे हम कितना मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं, तो इन चीजों को देखेंगे। तो ये चार आर्टिकल्स तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो लीगल चैलेंजेस रिकॉग्नाइजिंग तालिबान, अभी तालिबान से रिस्पेक्ट में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हो रहा है। एक और अच्छा व्यू पॉइंट यहाँ दे रखा है, रीथिंकिंग अ पर्क फॉर प्लेयर्स। कुल मिला के इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बताया गया कि जो हमारे अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, जी बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम लोग ओलंपिक्स में मेडल जीत नहीं पाते, इनको यहाँ पे मेडल मिल रहे हैं। अभी मेडल मिलने के बाद इनको पैसा मिलता है, कैश गिफ्ट्स मिलते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ इनको बहुत इंपॉर्टेंट जॉब पोस्ट पे अपॉइंटमेंट भी मिलती है। अब वो जो इंपॉर्टेंट जॉब पोस्ट की इनकी अपॉइंटमेंट है ना, वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा ऑथर यहाँ पे बोल रहा। आप इनको पैसे दे दो ठीक है, बट ओवरऑल इनको रेलिवेंट चीज में आप डिप्लॉय करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मीराबाई चानू भी डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गई, ठीक है ना, डेप्यूटी, हाँ डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस बन गई, हो सकता है कल की डेट में सुप्रिंटेंडेंट पुलिस बन जाए। तो ऐसे केसेस में जब ये रिटायर करके अपना पुलिस का काम करने जाएंगे तो उनको पुलिस की काम करने के तरीके के बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो इसी रिस्पेक्ट में बताया जाए कि जो भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन एक्सेल करते हैं, आप उनको कैश गिफ्ट दे दो वो ठीक है, बट उनको गवर्नमेंट जॉब्स में प्रमोशन देते रहना, ठीक है, ये सही नहीं है। क्या लॉजिक दिया जा रहा है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आगे बढ़ने से पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हम किसने किसने ज्वाइन किया है। तो हर्षद भंसोड़े ने हमको ज्वाइन किया, हर्षद भंसोड़े, पायल चौधरी ने हमको ज्वाइन किया, रतनाम म्यूजिक ने हमको ज्वाइन किया, रतनाम म्यूजिक का सेकेंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक रतनाम म्यूजिक, जो भी आपका नाम है। देन शिल्पा गजभिये ने हमको ज्वाइन किया है, फिर विनायक करने ने हमको ज्वाइन किया, तो विनायक करने, देन शिल्पा गजभिये, रतनाम म्यूजिक सेकेंड मंथ एज ए मेंबर, पायल चौधरी और हर्षद बंसोड़े, आई वेलकम यू ऑल टू माई वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग, योर कंसिस्टेंट सपोर्ट इज अ बिग हेल्प एंड अ बिग सपोर्ट टू मी, सो वॉर वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। चलिए चलिए हैं आज के अपने डिस्कशन पे। डिस्कशन की बात की जाए, डिस्कशन को फॉर्मली शुरू करने से पहले भाई, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, बिल्कुल कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दो, काफ़ी मदद मिलती है अगर आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओगे। रीजन भी, मुझे व्यूअर्स मिलेंगे तो YouTube और एल्गोरिदम को प्रमोट करेगा, मतलब YouTube के एल्गोरिदम ऑब्वियसली बात, जो वीडियो ज़्यादा दिखती है उनको और ज़्यादा प्रमोट करता है। सो आप लोग ऑलरेडी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा और सपोर्ट करिए वीडियोस को शेयर करके, Instagram पे चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक नीचे दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, और इसके थोड़ी देर बाद ही, लगभग 1-2 घंटे बाद आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, तो करंट अफेयर्स की भी वीडियो देख लीजिएगा हॉलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कास्ट काउंट्स ऑन सेंसस एंड पार्टीशन पॉलिटिकल गेंस। देखिए, रिसेंटली फिर से फ्रेश कास्ट सेंसस कंडक्ट करने की जो डिमांड है वो पूरे देश में हर जगह से आ रही है। जैसे रिसेंटली बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार 10 पॉलिटिकल पार्टी की एक डेलीगेशन के साथ जाके प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिले मंडे को। अभी तक अगर आप कास्ट सेंसस की डिमांड को देखोगे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देश में कास्ट सेंसस को सपोर्ट, मतलब अपोज नहीं किया है, सबने कास्ट सेंसस को यहाँ पे सपोर्ट किया है। मोदी जी ने भी डेलीगेशन की बात सुनी बट ओवरऑल उन्होंने अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं दिया। तो देखिए, बीजेपी ने भी कास्ट सेंसस को अपोज नहीं किया है और सपोर्ट के रिस्पेक्ट में उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, एक सेंसिटिव टॉपिक है, हम इसके ऊपर बैठ के बातचीत करेंगे। देखिए, ओवरऑल जिस चीज को लेके हर जगह से सपोर्ट की आवाज आ रही है और
ऑब्वियसली बात, अगर बीजेपी यहाँ पे अड़ जाएगी कि हम कास्ट सेंसस नहीं कंडक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो एक निगेटिव पॉइंट क्रिएट करेगा। तो यहाँ बीजेपी आगे आने वाले समय में जरूर कास्ट सेंसस को करवाएगी, कब करवाती है वो एक अलग बात है। तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी इस कास्ट सेंसस के मुद्दे को आगे उठाएगी, कंडक्ट होगा ही होगा। अब अगर देखा जाए तो कास्ट के आधार पर पिछली बार इंडिया का सेंसस कब हुआ है, तो 1931 में पहली बार कास्ट के आधार पर इंडिया की पॉपुलेशन को एसेस किया गया था। लेकिन आपको पता है कि 1931 में हम लोग गुलाम थे, और गुलामी के समय पर जो सेंसस कराया गया होगा ना, वो कास्टिज्म की भावना को फैलाने के लिए कराया होगा, रिलीजियस कैटेगरीज को सेग्रीगेट करके हमारे देश को अंदर से तोड़ने के लिए कराया होगा हमारे कॉलोनियल मास्टर्स में, क्योंकि उनके जो आप कह सकते हो विचार थे या उनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी वो बहुत ज़्यादा डिविजिव थी। तो ऑब्वियस ही बात है कि अंग्रेजों ने जो भी कास्ट सेंसस कराया होगा उसके पीछे कोई बिनाइन मोटिव नहीं हो सकता, कोई अच्छा मोटिव नहीं हो सकता। अभी के लिए इंडिया में जो कास्ट सेंसस होगा उसका मोटिव क्या होना चाहिए, उसका मोटिव होना चाहिए कि भाई रोबस्ट डाटा। भाई देखिए, हमारे देश में जितने भी लोग हैं, अगर आपको उनकी गवर्नेंस करनी है तो उन लोगों के बारे में आपके पास डाटा होना चाहिए जिनको आप गवर्न करना चाहते हो। अगर उन लोगों के बारे में आपके पास डाटा ही नहीं तो फिर आप क्या ही गवर्न करोगे। अब तक हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारा जो गवर्नेंस सेक्टर है, मतलब स्ट्रक्चर है, वो पूरी की पूरी उन्हीं कैटेगरीज पर आधारित है जो कॉलोनियलिज्म से इंस्पायर्ड थी। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो पोस्ट है वो आपकी अंग्रेजों के समय से चली आ रही, कोई हमने अलग से नहीं बनाई है, ठीक है ना भाई। तो ओवरऑल कास्ट के रिस्पेक्ट में 1931 में जो लॉ था वो आज भी एग्जिस्ट करता है। अब बात यह है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारे देश में जो कास्ट के नाम पर अवेयरनेस है ना, वो लोगों की बढ़ी है। देखिए, वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडर्स ने ये उम्मीद की थी कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो सोशल हारमोनी बढ़ेगी और ये जो कास्ट के नाम पे सेग्रीगेशन है ये कम होगा। बट एक्चुअली में कास्ट के नाम पे जो सेग्रीगेशन है ना वो बढ़ता जा रहा है। अब फंडामेंटल मार्कर ऑफ आइडेंटिटी बन चुकी है कास्ट, इंडिया की इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद भी। और आप देखोगे जैसे जैसे सोसाइटी में डेमोक्रेटाइजेशन बढ़ रहा है, डेमोक्रेटाइजेशन मतलब कि हर तबके को बराबर का हक मिल रहा है, तो ये पूछा जा रहा है कि भाई आज की डेट में दलित्स के क्या हालात हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के क्या हालात हैं, ओवरऑल संविधान में जिनको भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहा गया है उनके क्या हालात हैं। मतलब कि देखिए, आज की डेट में कुछ लोग एससी कैटेगरी में हैं, कुछ लोग एसटी कैटेगरी में हैं, कुछ लोग ओबीसी कैटेगरी में, कुछ जनरल कैटेगरी में, तो जो जिस कैटेगरी में है उसके हालात पहले क्या थे हमको हल्का फुल्का आइडिया है 1947 के बाद, और उसके हालात आज क्या हैं, इन दोनों के बीच को फ़र्क को पता करना है। किस हिसाब से इन कम्युनिटीज़ में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाए, किस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब्स में इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाए। ऐसा बोला गया कि मान लीजिए किसी एक कैटेगरी के पास रिजर्वेशन है, एससी मान लीजिए, एसटी मान लीजिए, तो एससी एसटी कैटेगरी में जो रिजर्वेशन के बेनिफिट हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ निकल के आई हैं एससी एसटी के अंदर से जो कि डिसप्रोपोर्शनेट बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा गई हैं और कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाई हैं। तो जो कम्युनिटीज़ फ़ायदा नहीं उठा पाई हैं वो सब कैटेगराइजेशन की मांग कर रही हैं, वो कह रही हैं कि भाई हमारा सब कोटा बनाओ, हमको ओवरऑल कोटा बेनिफिट नहीं चाहिए, क्योंकि कोटा के अंदर में भी कुछ कम्युनिटी ज़्यादा फायदा उठा रही हैं। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे करी जा रही हैं। ओके, फिर देखिए क्या बोला जा रहा है। अब भाई बात यह है कि सरकारी नौकरियाँ ज़्यादा होती नहीं, द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट इज अ बिग एम्प्लॉयर इज डिमिनिशिंग। मतलब कि पहले क्या था कि सरकारी नौकरियाँ थोक के भाव निकलती थी पीएसयूज में, केंद्र सरकार, अब देखिए सरकारी नौकरियाँ की कमी है, तो आगे आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो बहुत सारे लोगों का तो ये बोलना है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, अब कितना होना होगा कितना नहीं होगा वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। बट एक्चुअली में कौन सी कम्युनिटी, कौन से कास्ट, किस रीजन में कौन से कास्ट की क्या हालात हैं वो हमको तब पता चल सकता है जब हमारे पास एडिक्यूट और रिलायबल डाटा हो, और ये डाटा हम कास्ट सेंसस के बेसिस पे ही पा सकते हैं। इसीलिए कास्ट सेंसस को कंडक्ट करवाने की यहाँ पे बात की जा रही है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसके थोड़े नेगेटिव्स भी हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप कास्ट सेंसस कंडक्ट करते हो तो सोसाइटी में जो रिफ्ट है वो बढ़ेंगे, सोसाइटी में अलग अलग तबकों में जो आप कह सकते हो सेग्रीगेशन है, एलियनेशन है, वो बढ़ेगा। अब एक और बात है यहाँ पे, देखिए हम इस बात को जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में अगर इनइक्वालिटी है, अगर पावर में इनइक्वालिटी है, ये वेल्थ में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, या कह लीजिए कोई बहुत पावरफुल सोसाइटी में तो आईएएस आईपीएस बन गया और कोई भाई बिल्कुल ही आम आदमी रिक्शा चला रहा है तो उसकी पुलिस वाला हवलदार भी नहीं सुन रहा, तो इस प्रकार के जो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना पावर और वेल्थ का, वो सोसाइटी में आप कह सकते हो इनइक्वालिटी लाता है और सोसाइटी के सोशल सेटअप को बिगाड़ता है। क्योंकि अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है तो एक समय के बाद उसका गुस्सा फूटेगा और वो कुछ ना कुछ गलत काम करेगा। तो यहाँ पे एक और बहुत ज़बरदस्त व्यू पॉइंट बताया जा रहा है कि भाई ओवरऑल इस कास्ट सेंसस को कराने का
जो ऑब्जेक्टिव है वो पॉलिटिकल गेन नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पे एक जस्ट और यूनाइटेड इंडिया के विज़न को लेके चलना है, और ये जस्ट और यूनाइटेड इंडिया का विज़न किसी भी हालात में कास्ट सेंसस को ऐसे नहीं करवाएगा कि वो हमारी सोसाइटी को तोड़े। हमें हमारी सोसाइटी को जोड़ के स्ट्रांग करना है, ना कि उसको तोड़ के कमज़ोर करना है। ये ऑथर का व्यू पॉइंट है। लेकिन अब भाई देखिए, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो कास्ट सेंसस को ना जोड़ना तो छोड़ो, सिर्फ अपने पॉलिटिकल मोटिव से लेके चलते हैं। तो बहुत सारे लीडर्स क्या बोल रहे हैं कि भाई कास्ट सेंसस करा लो, रिजर्वेशन बढ़ाना है। अब आपको क्या लगता है, ये जो पॉलिटिशियंस है जो रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं ये मांग? क्या ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको रिजर्व कैटेगरी का स्टेटस मिल जाए? वो सिर्फ अपने वोटों के लिए इन सब चीज़ों को करवा रहे हैं, समझ गया बात को? तो यहाँ पे ऑथर ने बोल तो दिया कि ठीक है भाई, आप कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाओ, बट एक यूनाइटेड इंडिया के कन्वर्ट के लिए कंडक्ट करवाओ, एक जस्ट इंडिया के लिए कन्वर्ट कराओ, ठीक है। बट अगर पॉलिटिकल मास्टर्स अपने मतलब के लिए कंडक्ट करवाते हैं, सोसाइटी को बांट के अलग अलग तबकों का वोट खींचने के लिए कास्ट सेंसस कंडक्ट करा रहे हैं, तो काम गड़बड़ा जाएगा। अब एक्चुअली में किस हिसाब से कास्ट सेंसस कंडक्ट होगा, वो बीजेपी पर डिपेंड करेगा। अगर रीजनल पार्टीज की बस की चलती तो वो अपने इलाकों में तो बवाली मचा देते। अब देख के आते हैं कि आगे कैसे होता, धीरे धीरे करके पता चलेगा कि कास्ट सेंसस में किस प्रकार से फिगर्स। देखिए, कास्ट सेंसस होना जरूरी है, डेफिनेटली ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि देखिए रिजर्वेशन ज़रूरी है, माना कि एस सी एस टी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन आप एस सी एस टी में भी आप इक्विटेबली डिवाइड करिए रिजर्वेशन को। कुछ कम्युनिटीज़ अगर जरूर से ज़्यादा फायदा ले जा रही हैं और बाकी कम्युनिटीज़ एस सी कैटेगरी के अंदर अभी भी गाँव में, बीहड़ गाँव में पड़ी हुई हैं, उनके पास ना खाने के पैसे हैं ना रहने के पैसे हैं, तो भाई फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ये, ओके। अगर किसी को बेनिफिट मिला है किसी चीज़ का, तो बेनिफिट इक्विटेबली बांटो। तो जो सब कोटा की डिमांड है, ये कितनी फीजिबल है कितनी फीजिबल नहीं है, ये भी कास्ट सेंसस के बाद क्लियर हो जाएगा। तो कास्ट सेंसस के बाद जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं वो कितनी हैं, कहाँ हैं, उनके लिए क्या क्या किया जाना है, इन कोटा बेनिफिट्स का क्या फ़ायदा हुआ है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल आगे की सरकारी की स्कीम्स में कहाँ कितना पैसा एलोकेट करना है, इस पर भी थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ये बातें यहाँ पर बताई गई, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इन फ्री फॉल ऑन लेबनन एंड इट्स सेक्टेरियन पॉलिटिक्स। सबसे पहले लेबनन का नक्शा देखो, यहाँ पे आपको रहा जा रहा है लेबनन, और इसी लेबनन की राजधानी है बेरूत, और बेरूत में एक ज़बरदस्त वाला ब्लास्ट हुआ था। कहाँ पे है? लेबनन के वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है आपका मेडिटेरेनियन सी। लेबनन कौन सी दो कंट्रीज के साथ बाउंड्री बनाता है? तो साउथ में बाउंड्री बनाता है इसराइल के साथ, और ईस्ट में बाउंड्री बनाता है सीरिया के साथ। लेबनन के साउथ में ये जो इलाका है, यहाँ पे ग्रुप डोमिनेंट है हिजबुल्ला, जिसकी इसराइल के साथ बिल्कुल नहीं बनती, बट हिजबुल्ला इज अ पॉलिटिकल पार्टी इनसाइड बेरूत एंड इट इज अ ईरान एफिलिएटेड पॉलिटिकल पार्टी। चलिए वो एक अलग बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हो क्या रहा है। लेबनन में बहुत सी मल्टीपल क्राइसिस चल रही हैं पिछले कपल ऑफ ईयर से। लेबनन इज ऑन द ब्रिंक ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स। इकोनॉमिक कोलैप्स के ब्रिंक पे मतलब कि लेबनन ने जो इंटरनेशनल लोन्स उठाए हैं, उन इंटरनेशनल लोन्स का प्रिंसिपल छोड़ो, वो इंटरेस्ट भी वापस नहीं कर पा रहे हैं अपने बॉन्ड्स पे, वो डिफॉल्ट कर गए 2019 में। पहली बार इंडिपेंडेंस जब उनको 1943 में मिली, उसके बाद से लेके कहाँ से। अच्छा, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि लेबनन को कौन सी कंट्री से इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है ना। लेबनन भी एक कॉलोनियल कंट्री था, कौन सी कॉलोनियल पावर के अंदर था लेबनन, बहुत न्यूज़ में रहा है, और जिस कॉलोनियल पावर के अंदर था उसके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ये दो चीज़ें मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो 1943 में लेबनन को इंडिपेंडेंस मिली, और उसके बाद पहली बार 2019 में अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स और बॉन्ड्स पे डिफॉल्ट किया लेबनन ने। उसके बाद आप देखोगे कि बेरूत पोर्ट ब्लास्ट हो गया, वो पोर्ट ब्लास्ट मैंने कवर किया था पिछले साल, भाई हिल गया था सब कुछ। ओवरऑल 200 लोगों को जाने गई थी, 7000 लोगों को चोटें लगी थी, $15 बिलियन का नुकसान हुआ था। तो ब्लास्ट के बाद तो भाई लेबनन की हालत बिल्कुल ही खराब हो गई, और सिर्फ इकोनॉमिक हालत खराब नहीं हुई, इकोनॉमिक हालत फिर भी एक बार को सही हो जाएगी अगर पॉलिटिकली स्ट्रांग है देश। पॉलिटिकल क्राइसिस भी वहाँ बहुत तगड़ी, तब से केयर टेकर गवर्नमेंट ही वहाँ पर राज कर रही है। सीवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है, मेडिसिन की भी कमी है, फ्यूल की भी कमी है, फूड की भी कमी है, COVID-19 तो फैल ही रहा है। अभी लेबनन की सेंट्रल बैंक ने बोल दिया कि भैया हम सस्ते में तेल इम्पोर्ट नहीं कर सकते। देखिए, तेल मान लो 50 रुपये का मिल रहा है लेबनन में, मान लीजिए लेबनन की जो करेंसी है उसमें मिल रहा है, तो तेल 50 रुपये का मिल रहा है, अभी लोगों तक 30 रुपये का पहुंचाना है, तो जो सरकार है वो इंटरेस्ट रेट देती है। सीधी सीधी बात है, अगर लोगों के पास आपको कम दाम पे तेल पहुंचाना है तो किसी ना किसी को तो खर्चा उठाना पड़ेगा ना, तो सरकार खर्चा उठाएगी। लेकिन अब फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मार्केट से लेबनन की जो सेंट्रल बैंक है वो तेल इम्पोर्ट कर रही है, वो तेल इम्पोर्ट कर रही है ज़्यादा दाम पे, और नीचे लोगों को दे रही कम दाम पे, तो थोड़ा पैसा तो सेंट्रल बैंक को ख़त्म करना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो एकदम से आप देखोगे
कि जो लेबनान में तेल के दाम है ना, ये तेल के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। और इसके चलते हुआ ये कि एक फ्यूल टैंक था लेबनान के नॉर्थ में, वहाँ पे बहुत सारे लोकल्स एकदम से फ्यूल लेने के लिए दौड़े और वो टैंक फट गया, 28 लोगों की वहाँ जान चली गई। आगे आने वाले समय में यूनिसेफ का ये बोलना है कि लेबनान में एक सीवियर वाटर शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने आधी से ज़्यादा जनता लेबनान की पॉवर्टी में पहुँचा दी, इनकी करेंसी की वैल्यू 90% गिर गई है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से लेबनान की जो GDP पर कैपिटा है वो 40% गिरा है डॉलर टर्म्स में 2018 और 2020 के बीच में, और एक्चुअली वो गिरा है 20.3% 2020 में। इसमें COVID-19 का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का बोलना है कि भाई सालों लग जाएंगे लेबनान को अपनी इस क्राइसिस से बाहर निकलने में। अब ओवरऑल इकोनॉमी की तो हमने बात की कि कितने बुरे इनके हालात हैं, पॉलिटिक्स की बात की जाए तो इनके जो प्रेसिडेंट है माइकल ऑन, वो अब तक 3 प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट्स को अपॉइंट कर चुके हैं। इन 3 में से 2 ने तो रिजाइन कर दिया और 2 ने बोला कि भैया मैं गवर्नमेंट नहीं बना पा रहा हूँ। एक्चुअली में खिचड़ी सी पकी हुई है आपके लेबनन में। प्रेसिडेंट एक मैरोनाइट क्रिश्चियन होना चाहिए लेबनन के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, प्राइम मिनिस्टर एक सुन्नी मुस्लिम होना चाहिए और पार्लियामेंट्री स्पीकर एक शिया मुस्लिम होना चाहिए। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, 2 प्राइम मिनिस्टर अपनी सरकार ही नहीं बना पाए। तीसरा प्राइम मिनिस्टर भी जो अपॉइंट हुआ है जिनका नाम है आपका नजीब मिकाती, इनको बोला गया कि अगली गवर्नमेंट बनाओ। अब वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं, अब वो पॉलिटिकल पार्टी से बात हो पाएगी, सक्सेस आएगा, आपकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, वो अपने आप में बड़ी बात है। अब जैसा कि मैंने बताया कि बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी है हिजबुल्ला, इसको कुछ कंट्रीज ने टेररिस्ट ग्रुप भी डिक्लेयर किया है, बट यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पावरफुल शिया मिलिटिया कम पॉलिटिकल पार्टी, इसकी ईरान के साथ बहुत बनती है। तो हिजबुल्ला का ये बोलना है कि भाई हम ईरान से तेल इम्पोर्ट करवा देंगे यहाँ के लिए, लेकिन इसके लिए भी अपोजिशन आया है। ओवरऑल जो अपोजिशन हिजबुल्ला का वो बोल रहा है कि अगर तुम तेल ईरान से मंगवाते हो तो इसके चलते और US के सैंक्शन हमारे ऊपर लग जाएंगे, क्योंकि US की ईरान के साथ बनती नहीं है, तो जो ईरान के साथ ट्रेड करेगा US उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा, वैसे ही हमारी हालत और ख़राब है लेबनन की, और US के सैंक्शन लग गए तो हम कहाँ जाएंगे। फिर लेबनन बहुत लंबे समय से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से पैसा मांग रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आई थी ना, अब IMF उनका, अब जो उनका सेंट्रल बैंक है आपका लेबनन का, वो बोल रहा है कि हमारे पास इंपोर्ट्स के लिए पैसे नहीं है। तो मतलब उनके यहाँ पे भी एक प्रकार की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ही है। तो इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी, IMF से पैसा मांगा था, लेबनन भी IMF से पैसा मांग रहा है। IMF ने यही बोला अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करो, अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलो, तब हम तुमको पैसा देंगे। अभी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए सरकार बननी जरूरत है, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं तय कर पा रहे हो कि कौन है प्राइम मिनिस्टर। तो हालात ये है कि लेबनन की जो क्राइसिस है ना, इन वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस है, और इस क्राइसिस में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने जो इंटरनल इश्यूज हैं उनको छोड़ के लेबनन के हित में काम करना पड़ेगा, तब जाके हम इस क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये क्राइसिस सॉल्व नहीं हो सकती, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। तो इस आर्टिकल को हमने देखा, अगले आर्टिकल पर चलते हैं, क्लाइमेट चेंज अ कैटलिस्ट फॉर आर्कटिक कोऑपरेशन। यहाँ क्या बताया जा रहा है, देखिए आर्कटिक रीजन की पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। आर्कटिक रीजन आपको पता ही है, हमारी दुनिया में जो नॉर्थ पोल के आसपास का जो बर्फ वाला इलाका है, आप इसको बोलते हो आर्कटिक रीजन। अब आर्कटिक रीजन में एक पावर गेम चल रहा है, और वो पावर गेम प्राइमरीली 2 ग्रुप्स के बीच में, एक ग्रुप में है आपका रशिया और दूसरा ग्रुप है आपका नाटो अलाइज। यहाँ पे नाटो अलाइज थोड़े ज़्यादा हैं, बट रशिया का इलाका बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो तो ओवरऑल 8 कंट्रीज के पास डायरेक्ट एक्सेस है आर्कटिक के रिसोर्सेज का, कैनेडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशियन फेडरेशन, स्वीडन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। 2013 में 6 ऑब्जर्वर मेंबर्स ने आर्कटिक काउंसिल को ज्वाइन किया था, एक है चाइना, जापान, इंडिया, इटली, साउथ कोरिया और सिंगापुर। तो ऑब्जर्वर मेंबर्स को मिला दो तो ओवरऑल इस आर्कटिक काउंसिल में बैठते हैं 13 लोग, ठीक है। अब शुरुआत में जो आर्कटिक था ना, इसमें जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज़्यादा थी। क्यों बहुत ज़्यादा थी? क्योंकि भाई एक तरफ था USSR, दूसरी तरफ था USA, और USSR USA की बनती नहीं थी। एक बार जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस थे आर्कटिक रीजन को लेकर, वो थोड़े कम हो गए। आर्कटिक में सिक्योरिटी कंसर्न्स कम हो गए, किसी भी प्रकार का मिसाइल डिप्लॉयमेंट, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ। लेकिन आप देखोगे कि अक्टूबर 1987 में कोला पेनिनसुला में विजिट करी मिखाइल गोरबाचेव ने, वो उस समय के सेक्रेटरी जनरल थे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के, और उन्होंने बोला कि भाई कोल्ड वॉर एरा खत्म हो रहा है और अब आर्कटिक एक जोन ऑफ पीस की तरह बनेगा। तो ये मान लीजिए इधर USA है और इधर आपका रशिया है, ठीक है, ये बीच में पूरी दुनिया है, यहाँ इंडिया है। तो आप कह सकते हो अच्छा रशिया का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा ऐसा है, इसलिए इंडिया के थोड़ा इधर दिख रहा है आपको, अगर इसको इधर कर दोगे तो इधर रशिया पहुंच जाएगा। तो जो नॉर्थ में पोर्शन फैला हुआ है ये है आपका आर्कटिक। अब अगर आप इस आर्कटिक की बात करो
तो इस आर्कटिक में कोल्ड वॉर के समय पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही मिखाइल गोरबाचेव ने कोला पेनिनसुला जाके बोला कि भाई अब ये कोल्ड वॉर का एरा ख़त्म, हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। तो मिखाइल गोरबाचेव के इस अनाउंसमेंट के बाद 1987 में, फिर 1991 में जब यूएसएसआर टूट गया, तो सबको लगा कि अब आर्कटिक में कोई बवाल नहीं होगा। बवाल की शुरुआत हुई 2007 में, जब बहुत सारे रशियन एक्सप्लोरर्स ने नॉर्थ पोल से लगभग 4200 मीटर दूर रशिया का झंडा गाड़ दिया। अब रशिया का झंडा गाड़ दिया मतलब आर्कटिक में मॉस्को का क्लेम हो गया। अभी आर्कटिक तो इंटरनेशनल टेरिटरी समझी जा रही थी, सबने बोला तुम्हारा क्लेम कैसे होगा, तो इसको प्रोवोकेटिव एक्शन समझा गया। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर पीटर मैकके ने बोला कि ये 15वीं शताब्दी नहीं है कि कोई भी कंट्री के लोग कहीं भी घूम रहे हैं और कहीं पर भी अपनी टेरिटरी को क्लेम कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। तो बाकी टेरिटरी को यहाँ पर गुस्सा आने लगी, ऑब्वियसली बात गुस्सा आने लगी आर्कटिक में। ये कोला पेनिनसुला कहाँ है, तो इधर दिख रहा है आपको नॉर्वे, यहाँ दिख रहा है स्वीडन, इधर फिनलैंड, ये जो बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है ना रशिया का, यहाँ पे आपका ये कोला पेनिनसुला, नीचे इसके वाइट सी है, ठीक है भाई, और इसके नॉर्थ में है बैरेंट सी, बैरेंट सी भी आएगा थोड़ी देर में, इसलिए लोकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ, उसके बाद आप देखोगे कि 2014 में रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट हुई और क्रीमिया पे इलीगली कब्जा कर दिया रशिया ने। इसके बाद आप यूएस और रशिया के रिश्ते बहुत ज़्यादा नीचे गिरते हुए देखोगे, और कुल मिला के आर्कटिक को भी लेके लोग एप्रिहेंसिव हो जाएंगे कि भाई रशिया अगर यूक्रेन में जाके क्रीमियन पेनिनसुला को ऑक्यूपाई कर सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। तो ओवरऑल नाटो अलाइज एक तरफ होते नजर आएंगे, रशिया आपको एक तरफ होता नजर आएगा। कुल मिला के रशिया को यहाँ पे एक रूल ब्रेकर की तरह देखा जा रहा है, एक ऐसी पावर की तरह देखा जा रहा है जो कि सेटल्ड चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश कर रही है, ओवरऑल इंटरनेशनल ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश कर रही है, एक अनट्रस्टवर्दी प्लेयर है जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर रशिया री इस्टेब्लिश करना चाहता है मिलिट्री माइट ऑफ इट्स नॉर्दर्न फ्लीट, नॉर्दर्न फ्लीट जो कि स्टेशन होती है बिल्कुल आर्कटिक के बगल में। आपको पता है कि आर्कटिक का एक बहुत बड़ा पैरामीटर रशिया के अंदर आता है। तो इसके चलते अब नॉर्वेजियन फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न है कि आर्कटिक के ऊपर किस हद तक रशिया अपना जोर जमाने की कोशिश करेगा। रशियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स को यह लगता है कि जो बैरेंट सी वाला इलाका है वो इट कैन सर्व एज अ लॉन्चिंग एरिया फॉर अ वेस्टर्न बॉर्न सी अटैक, मतलब रशियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स को ये लग रहा है कि रशिया के ऊपर बैरेंट सी के रास्ते से एक अटैक हो सकता है। आप सोचिए रशिया इतना स्ट्रांग है मिलिटरली, दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास है, और रशियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बैरेंट सी की तरफ से अटैक हो सकता है। अब ये देखिए कितनी अजीब बात है। तो रशियन नेवी को ये बोला गया कि भाई बिल्कुल रेडी रहो एंटी सबमरीन फोर्सेस को लेके आर्कटिक ओशन में। तो कुल मिला के यहाँ पे हालात काफ़ी गड़बड़ा गए हैं। ओवरऑल आप देखोगे तो इस इशू में जो अनस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। फिर भाई पिछले हमने कई सालों में ये भी सुना है कि भाई क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी बातें हुई, क्लाइमेट चेंज को लेकर बातें बढ़ती जा रही हैं। 2021 की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग सीजन्स रहा है, सबसे ज़्यादा फ्लड, सबसे ज़्यादा वाइल्ड फायर्स, और ये हर जगह पे आई हैं। नॉर्थ अमेरिका में एक्सट्रीम हीट की वजह से वाइल्ड फायर आई, रशियन साइबेरिया के यकूतिया रीजन में आपकी वाइल्ड फायर आई जहाँ पे विंटर टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि इतनी खराब इन्वायरमेंटल कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स को ध्यान देते हुए सारे प्लेयर्स को मिलकर आर्कटिक रीजन में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ना कि टेरिटरी पे अपना जोर जमाते घूमो, क्योंकि इतनी गर्मी के चलते इतने ग्लोबल वार्मिंग में आर्कटिक पिघलेगा, और आर्कटिक पिघलेगा तो उसकी पूरी दुनिया में इम्पैक्ट आएगा, और हम ये नहीं चाहते कि ऐसे समय में जब सब प्लेयर्स को मिलकर ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है कुछ कंट्री ज़मीन के लिए आपस में एक दूसरे के साथ लड़ती रहें, खासकर वो ज़मीन जिसके ऊपर पूरी बर्फ जमी हुई है और वो भी आगे आने वाले समय में गर्मी के कारण पिघल जाएगी, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट 2020 की बात करो, जो फर्स्ट रिपोर्ट थी आपकी एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ द इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी, इनका ये बोलना है कि बाकी दुनिया के कंपैरिजन में आर्कटिक जो गर्म है वो दुगनी तेजी से हो रहा है, और उसके चलते आप देखोगे कि 2014 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट हर साल में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आर्कटिक में आइस फ्री समर्स देखने को मिल सकती हैं अगले 10 डिकेड्स में, और कंप्लीटली फ्री ऑफ आइस हो सकता है वो समर्स में मिड सेंचुरी तक, मतलब कि अगले 10 साल में आर्कटिक में समर्स में आइस देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि मिड सेंचुरी तक समर्स में कोई आइस बचे ही ना, मतलब 2050 तक आर्कटिक सी में कोई आइस बचे ही ना, मतलब इस हद पे आपकी ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, इस हद पे ग्लोबल वार्मिंग चल रही है तो भाई सारी कंट्रीज को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। अब आप बोलोगे आइस पिघल गई तो क्या होगा, देखिए आइस पिघल गई तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं, ग्लोबल वार्मिंग और एग्रेवेट हो जाएगी,
ठीक है, हमारा सी लेवल बढ़ जाएगा, जो ग्लेशियर्स में आपकी आइस स्टोर्ड है आपकी नॉर्थ पोल में, उसके चलते पानी का लेवल बढ़ेगा, तो बहुत सारी सिटीज़ डूब जाएंगी। उसके अलावा मैं तो बस एक दो पॉइंट बता रहा हूँ, उसके अलावा देखोगे कि आइस का जो रिफ्लेक्शन पावर होता है रेस का, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत सारी सनलाइट को आइस वापस भेज देती है स्पेस में। अब आइस की बजाय पानी बन जाएगा, तो वो सनलाइट और अब्जॉर्ब होने लगी हमारे एटमोसफेयर में, हमारी ग्लोबल वार्मिंग और एग्रेवेट हो जाएगी। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है फिजिकल ज्योग्राफी 11th एनसीईआरटी किताब में, और पहले भी, तो 11th क्लास की फिजिकल एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की किताब ज़रूर देख लीजिए, 93 वीडियोज में सब काम किया। तो यही बोला जा रहा है कि जो आर्कटिक का इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, और इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम को हमको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली नॉर्वेजियन, मतलब नॉर्वे का एक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, उस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को बहुत सारे इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने रुकवा दिया बोल के कि भाई ये सब नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो पिघलना है ना आर्कटिक का, आर्कटिक की मेंटल की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल रही हैं, जैसे ट्रांस, आप कह लीजिए आर्कटिक शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। पहले जिन रूट्स पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती थी, अब वहाँ पानी आ रहा है, तो वहाँ पे शिप फ्लो करके जा सकते हैं। तो चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही हैं। चाइना के लिए क्या है कि मान लीजिए चाइना यहाँ पे है, अगर आपको यहाँ पे ये रहा चाइना, अभी चाइना को इधर से साउथ चाइना सी से घूम के फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकलना पड़ता था, इंडियन ओशन से पार करके जाना पड़ता था यूरोप। चाइना के लिए बहुत आसान होगा कि वो नॉर्थ में रशिया को पार करते हुए आर्कटिक पास करके यूरोप पहुँच जाए। तो ये जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका पहुंचने का रास्ता है ना, अगर आर्कटिक लेंस चाइना के एक्सेस में आ जाती हैं, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाले रास्ते से बहुत कम रास्ता कवर करना पड़ेगा चाइना को अपना सामान एक्सपोर्ट करने में। तो अल्टरनेटिव शिपिंग रूट को डेवलप करने के रिस्पेक्ट में चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ट्रांस अटलांटिक लाइंस। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ कुछ ट्रेड के रिस्पेक्ट में नहीं सोच सकते, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये पिघल जाती है बर्फ़ तो हमें कितना नुकसान होगा। तो रशिया चाइना जैसी इररिस्पॉन्सिबल कंट्रीज ये सोच रही हैं कि बर्फ़ पिघल जाए तो हम यहाँ पे ट्रांस आर्कटिक शिपिंग रूट चला देंगे, लेकिन इसके बदले में जा क्या रहा है ये भी तो देखो भाई। तो ये सब बातें हैं। तो कुल मिला के एंड में ऑथर क्या बोलता है कि जितनी भी आर्कटिक स्टेट्स हैं इनको म्यूचुअल प्रोवोकेशन नहीं करना चाहिए, एक्सेसिव मिलिटराइजेशन नहीं करना चाहिए, क्विड प्रो क्वो टैक्टिक्स को नहीं अपनाना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म विजन और स्ट्रेटजिक गोल्स को लेकर चलना चाहिए। तो अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बताई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो हम कौन सा नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, तो भाई ये है आपका रीथिंकिंग अ पार्क ऑफ प्लेयर्स। देयर इज अ नीड टू कंसीडर प्रमोशंस इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए इसको कहानी तरह सुनिए, इसमें मैंने थ्योरी इंक्लूड नहीं की है, भी नहीं कुछ थ्योरी बताने लायक। टोक्यो ओलंपिक्स में जो हमारा इंडियन कंटिंजेंट गया उसने 7 मेडल्स जीते, उसमें टॉप कौन थे, तो भाई नीरज चोपड़ा साहब थे। नीरज चोपड़ा साहब ने हमारे लिए गोल्ड मेडल जीता, हमारा नाम रोशन किया देश का, नो डाउट। जूनियर कमीशनड ऑफिसर हैं आर्मी में, पहली बार कोई ऐसा एथलीट जिसने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता, भाई बड़ी बात है। बाघ मिल्खा बाघ के जो मिल्खा सिंह थे, मिल्खा सिंह तो बस सोचते सोचते देश से चले गए और गोल्ड मेडल आ गया हमारे पास एथलेटिक्स में। बहरहाल तो अगर हम देखें कि नीरज चोपड़ा साहब को क्या क्या मिला, वैसे तो जूनियर कमीशनड ऑफिसर हैं आर्मी में, इनको गोल्ड मेडल मिला जेवलिन में, तो उसके बाद हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए दिए, 1 क्लास 1 की गवर्नमेंट जॉब दी, 1 प्लॉट ऑफ लैंड दिया कंसेशनल रेट पे, 2 करोड़ पंजाब गवर्नमेंट ने दिए, 1 करोड़ बीसीसीआई ने दिए, 1 करोड़ चेन्नई सुपर किंग्स ने दिए, 2 करोड़ बैजूज ने दिए, 1 करोड़ जेएसडब्ल्यू ने दिए। चलिए अच्छी बात है, इन्होंने बड़ा काम किया, इनको पैसे मिले। फिर रवि दहिया और मीराबाई चानू जो सिल्वर मेडल लेके आए, इनको भी अच्छे खासे पैसे मिले, और जो ब्रॉन्ज मेडल विनर्स उनको लाखों में रुपए मिले। तो भाई इन्होंने परफॉर्मेंस दी, इनको पैसे मिले, अच्छी बात है। अब इन कैश इंसेंटिव्स के साथ आप देखोगे इनको नौकरियां भी मिलती हैं। तो जो प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा आप कह सकते हो नौकरी का सोर्स होता है, वो था रेलवेज, रेलवेज में नौकरी मिल जाती है। धोनी साहब को, हमारे महेंद्र सिंह धोनी को भी रेलवेज में नौकरी मिली है। तो कुल मिला के आप देखोगे कि रेलवेज इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। अभी मीराबाई चानू पहले रेलवेज में काम कर रही थी, अब इनको यहाँ पे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना दिया गया। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर होता है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने इनको एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया। अब बात यह है कि ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ऑथर ये बोल रहा है कि आगे आने वाले समय में खेलने ही वाले हैं, और जिस समय पे ये खेल रहे होंगे उस समय पे इनको पुलिस की जो सैलरी है वो मिल रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ साथ इनको प्रमोशन भी मिल रहे होंगे। अब इस प्रमोशन से प्रॉब्लम है यहाँ पे ऑथर को। ऑथर बोल रहा है कि देखिए अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, अगर आप उसको नॉन गेस्टेड रैंक्स में पोस्टिंग देते हो तो समझ में आता है, अगर आप उसको गेस्टेड रैंक में पोस्टिंग देते हो, जैसे कि यहाँ पे मीराबाई चानू को एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया गया, तो ये खेलती रहेंगी और ओवरऑल इनकी जो पोस्ट है वो प्रमोट होती रहेगी। तो मान लो कल जब ये खेल के रिटायर होती हैं, तो फिर हो सकता है कि सीधे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पर बैठे आगे,
और जब वो सीधे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पर बैठेंगी तो उस समय पे उस पोस्ट की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में इनको कोई जानकारी होगी नहीं होगी, ना कोई ट्रेनिंग होगी, ना एक्सपोजर होगा, ना एक्सपीरियंस होगा, और ऐसे केसेस में ये मिसफिट होंगी। और ये सिर्फ मेरा भाई चानू के लिए नहीं, सबके लिए बोल रहे हैं। तो ऑथर का यहाँ पे बोलना है कि भाई सीधी बात है, आप प्लेयर्स को कैश दे रहे हो, अच्छी बात है, आप उनको कैश दो। आप उनको नॉन गेस्टेड जॉब्स दे रहे हो, अच्छी बात है। आप उनको गेस्टेड जॉब्स दे रहे हो और उस गेस्टेड जॉब्स के साथ प्रमोशन भी दे रहे हो, तो गेस्टेड जॉब्स तो एक ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पे एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस चाहिए, एक सर्टेन लेवल्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म चाहिए। इन गेस्टेड जॉब्स के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स कॉम्पीट करते हैं और तब इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसे केसेस में कुछ ऐसे एथलीट्स, नो डाउट उन्होंने देश का नाम रोशन किया है अच्छे अच्छे मेडल्स जीत के, लेकिन उसके बाद भी वो कॉम्पिटेंट नहीं उस जगह पे सर्व करने के लिए। रीज़न भी कि बहुत हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी चाहिए उस पोस्ट के लिए। अगर आप एसपी जैसी पुलिस की पोस्ट पे बैठ रहे हो और आपकी ट्रेनिंग कुछ है नहीं, आपने पूरी ज़िंदगी स्पोर्ट्स खेला, एकदम से सुपरिटेंडेंट पुलिस की कुर्सी पर बैठते हो, काम गड़बड़ा जाता है। इससे बेटर तो ये है कि आप कैश अवार्ड्स दो इन एथलीट्स को और उन कैश अवार्ड्स का इस्तेमाल करके ये एथलीट्स कल के डेट में कोई बिजनेस खोल सकते हैं, या चूंकि ये जिस भी स्पोर्ट्स के हैं उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई अकेडमी खेल सकते हैं, उस अकेडमी में और बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इनको एज अ कोचेस डिप्लॉय कर सकते हैं, इम्प्लॉय कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स इनकी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्कूलों में ट्रेनिंग देने के लिए। तो गेजेटेड पोस्ट के जो रिक्रूटमेंट है, ऑथर का बोलना है, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स, एम्प्लॉयमेंट जो ऑफर मिलते हैं आपके यहाँ पे इन प्लेयर्स को, और उन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में वो प्रमोट हो के बहुत ऊंची पोस्ट पे बैठ जाते हैं और फिर वो वहाँ पे काम करने के लिए उनके पास कॉम्पिटेंसी लेवल नहीं होता, ये चीज़ों को गड़बड़ा देता है, ऐसा यहाँ पे ऑथर का बोलना है। तो ऑथर को प्रॉब्लम इस बात से नहीं कि उनको पैसे मिल रहे, ऑथर को इस बात से भी प्रॉब्लम नहीं कि वो नॉन गेजेटेड रैंक पे प्लेस हो रहे हैं, ऑथर को इस बात से प्रॉब्लम है कि भाई गेजेटेड पोस्ट पे आप इन स्पोर्ट्स पर्सन को जगह मत दो, क्योंकि गेजेटेड पोस्ट बहुत स्पेसिफिक पोस्ट है, बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है। वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल बंदा जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसी को मौका मिलना चाहिए, नहीं तो ओवरऑल वो सिस्टम में फिट नहीं कर पाएगा, और अगर वो सिस्टम में फिट नहीं कर पाएगा तो सिस्टम की एफिशिएंसी कम होगी, ऐसा एमपी नथनेल साहब का बोलना है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, रिटायर्ड सीआरपीएफ के। गॉट इट? तो एक अच्छा व्यू पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और फिर बात करते हैं द अगली फेस ऑफ अ क्राइम फाइटिंग मूवी। ये अच्छा आर्टिकल मैं बोलूंगा आज का बेस्ट आर्टिकल है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इन इंडिया लैक्स एडिकेट सेफगार्ड। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किस चीज के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? ये जो मॉनसून सेशन था पार्लियामेंट में, इसमें कोई मीनिंगफुल डिबेट ज्यादा हो नहीं पाई, ज्यादातर चीजें पेगासस स्पाईवेयर को लेके लटक गई। बहुत सारे जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स के नाम थे जिनकी स्नूपिंग की जा रही थी पेगासस के थ्रू। तो भाई सरकार से सवाल पूछ रही है कि आपने मास सर्विलेंस करवाया, सरकार ने मना भी नहीं किया है, सरकार ने क्लियर कट ये नहीं बोला है कि हमने इजरायली सॉफ्टवेयर परचेज नहीं किया है। ओवरऑल ये इशू काफी बड़ा है, आप कह सकते हो कि प्राइवेसी ऑफ द एंटायर सिटीजनरी इससे अफेक्ट हो रही है। कुछ एक्टिविस्ट, कुछ आप कह सकते हो कि पॉलिटिशियन, सिर्फ इनकी प्राइवेसी इफेक्ट नहीं हो रही है, ओके? एक और बहुत बड़ा इशू है जिसके चलते लोगों की प्राइवेसी इफेक्ट हो रही है। तो डेफिनेटली पेगासस स्पाईवेयर इज अ बिग इशू, नो डाउट। फ्रांस और दुनिया भर की कंट्रीज में इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो चुकी, तो इट इज अ बिग इशू, बट इससे भी एक बड़ा इशू है, ओके? हम इससे भी बड़ा इशू क्या है वो देखते हैं, उस पर ध्यान नहीं जा रहा लोगों का। फिर यहाँ पे ऑथर बता रहा है कि भाई 23 जून 2021 को ज्वाइंट कमिटी एग्जामिनिंग द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 वाज ग्रांटेड अ फिक्स्ड एक्सटेंशन। आपको पता है कि जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में तो उसको ज्वाइंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट को रेफर किया जा सकता है। तो ऐसा ही एक बिल, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ज्वाइंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट को रेफर किया है और इस ज्वाइंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट को पांचवां एक्सटेंशन मिला है। मतलब इसको और टाइम दिया गया कि भाई ठीक है, आप देख दाग लो और देखो कि इस बिल में क्या किया जा सकता है। अब यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी इज नॉट गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी। अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल तो वो उसको तुरंत पास कर देते, लेकिन वो तुरंत पास नहीं कर रहे हैं, उसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी, मतलब लोगों की इन्फॉर्मेशन को जो बचाने वाला नियम कानून है, उसको सरकार प्रोएक्टिव बेसिस पे इंप्लीमेंट नहीं कर रही, जबकि उसको इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सरकार फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से इंडिया में इंप्लीमेंट कर रही है। अभी ये क्या लॉजिक है? देखिए, रिसेंटली ऐसा बोला गया है कि हमारे देश में इंडियन पुलिस को एम्पावर करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम टू फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स। कभी आपके पास कोई फ़ोन हो, आजकल स्मार्टफोन्स हैं, जैसे स्मार्टफोन आप खोलते हो वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके खुल जाता है।
तो कुछ ना कुछ तो स्मार्टफोन के कैमरा में ऐसा रिकॉग्निशन फीचर है जो कि वो आपको फेस को पहचान लेता है, किसी और के फेस के सामने लेके आओगे वो नहीं खुलेगा। तो फेशियल रिकॉग्निशन एक बड़ी टेक्नोलॉजी बन गई आज की डेट में, और इसी फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके सरकार और पुलिस आगे आने वाले समय में क्रिमिनल्स को क्विक और टाइमली मैनर में ढूंढेगी, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इट विल फंक्शन एज अ नेशनल लेवल सर्च प्लेटफॉर्म दैट विल यूज फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब कि एक नेशनल लेवल का सर्च प्लेटफॉर्म है, किसी पर्टिकुलर क्रिमिनल के बारे में अगर ढूंढना चाहेगा तो फेशियल रिकॉग्निशन को मास बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फेशियल रिकॉग्निशन में क्या देखा जाता है, तो भाई मेकअप, प्लास्टिक सर्जरी, फेस मास्क, इनके अलावा आप देख सकते हो कि बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे टेक्नोलॉजी आदमी के फेस को आइडेंटिफाई कर लेती है। ये टेक्नोलॉजी इंट्रूसिव है ऐसा बताया जाए। जो कंप्यूटर एल्गोरिदम्स होते हैं वो यूनिक फेशियल लैंडमार्क्स को, ओके, चीक बोन्स की शेप को, लिप्स के कंटर्स को, डिस्टेंस फ्रॉम फोरहेड टू चिन को, इन सबको भांपते हैं और उसको एक न्यूमेरिकल कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस न्यूमेरिकल कोड को बोला जाता है फेस प्रिंट, और इस फेस प्रिंट से फिर शुरू होता है वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। जो भी आपके पास बाकी फेस प्रिंट्स हैं आप उनसे इन फेस प्रिंट को मैच करा लेते हो और ओवरऑल आप क्रिमिनल को ढूंढने में आपको मदद मिलेगी। इसीलिए इसको एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बताया जा रहा है पुलिस के लिए। लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो फेशियल रिकॉग्निशन होता है वो प्रॉबेबिलिटी में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये फैमिली मैन देखा हो, फैमिली मैन का पहला वाला पार्ट, तो उसमें जो मनोज बाजपेयी होता है वो कश्मीर अश्मीर में कहीं बैठा होता है और वो एक आईसिस के आतंकवादी का फेस एक पहचान के मूसा नाम के आदमी से साथ मैच कर रहा होता है। तो वो एक प्रकार का फेशियल रिकॉग्निशन है जहाँ पे आप दो फेसेस को सामने रख दो और उन दोनों को मैच कराने बैठो तो परसेंटेज में बता देगा कि भाई दो फेसेस कितना मैच कर रहे हैं, समझ गए भाई। तो परसेंटेज में यहाँ बात होती है, फेशियल रिकॉग्निशन यहाँ परसेंटेज में होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 70% आया तो 70% लाइकलीहुड है कि ये जो 2% जिनकी इमेजेस को आप मैच करा रहे हो ये सेम है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब कुछ सब कुछ एल्गोरिदम पे हो रहा है, मशीन के बेसिस पे हो रहा है, तो गलती के भी चांसेस बनते हैं। हालांकि मॉडर्न मशीन जो लर्निंग एल्गोरिदम है वो बहुत एक्यूरेट हो गई है। जैसे आप अपने फ़ोन में देखो, आपके छोटे से फ़ोन में आपके फेस से रिकॉग्निशन से खुल जाएगा फ़ोन, किसी और से नहीं खुलेगा। तो एक छोटे से फ़ोन में जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरकार किस लेवल पर इस्तेमाल करती है ये आप समझ ही सकते हो। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, जब परसेंटेज की बात आती है तो हो सकता है एल्गोरिदम गलत मैच करा दे, हो सकता है एल्गोरिदम कोई फॉल्स पॉजिटिव दिखा दे, एक इनकरेक्ट मैच दिखा दे, और इनकरेक्ट मैच के चलते एक निर्दोष पर्सन को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाए। प्लस यहाँ पे इन फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स में कुछ और प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्री ट्रेन्ड मॉडल्स होते हैं। क्या होता है कि फेशियल रिकॉग्निशन में जब भी आपका एल्गोरिदम बनाई जाती है ना, तो उस एल्गोरिदम के बैकग्राउंड में कुछ मॉडल्स को पहले से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, जिनका फेस मेकअप थोड़ा अलग है और उसको यहाँ पे मैप नहीं किया गया है, तो हो सकता है वहाँ पे आपका डिटेक्शन ना हो पाए या फिर गलत डिटेक्शन हो जाए। और अगर गलत पॉजिटिव निकल के आता तो एक पर्टिकुलर पर्सन इस टेक्नोलॉजी के चलते अरेस्ट भी हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम है। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई कि टेक्नोलॉजी कितनी एक्यूरेट है, ये एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो सिस्टम है NAFRS, ये कलेक्ट करेगा और आपका सेंसिटिव डाटा को स्टोर कर लेगा। NAFRS का फुल फॉर्म समझ गए ना, नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। तो ये आपके डाटा को कलेक्ट, मतलब आपके डाटा को कलेक्ट करेगा और स्टोर करेगा। आपके बायोमेट्रिक्स बहुत लंबे समय तक सिस्टम में चले जाएंगे। आपके बायोमेट्रिक्स अगर सिस्टम में जा रहे हैं तो आपकी प्राइवेसी वॉलेट हो रही है। और ज़्यादा कुछ आपको लेने, जैसे आधार आधार की तरह नहीं है कि आप आधार गए आप अपना फिंगरप्रिंट दे रहे हो, नहीं, आपका फेस किसी कैमरे के सामने थोड़ी देर के लिए भी आ जाता है ना तो भी आपका बायोमेट्रिक सरकार के सर्वर में रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। अब खास बात यहाँ पे ये है कि क्या इस टेक्नोलॉजी को हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, भाई बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया भर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो इसका इस्तेमाल करती है। अगर इंग्लैंड की पुलिस फोर्सेस की बात करो वो सीरियस वायलेंस को सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। चाइना में तो भाई इसको रेशियल प्रोफाइलिंग सर्वेलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, उइगुर मुस्लिम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूएस में और इंग्लैंड में तो चलिए फिर भी नियम कानून है तो देख समझ के इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया में चूंकि पुलिस और लॉ स्टेट सब्जेक्ट्स हैं तो हमारे यहाँ पे स्टेट्स को जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल इन द एब्सेंस ऑफ पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल ये गड़बड़ है। अगर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल कल की डेट में लागू हो जाता है तो ये भी फेशियल रिकॉग्निशन वाली जो टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी नियम कानून निकाले जाएंगे। देखिए फेशियल रिकॉग्निशन आप हर जगह नहीं कर सकते, आपको कुछ सीरियस क्राइम्स में डिप्लाई करना। जैसे इंग्लैंड की पुलिस सीरियस क्राइम्स में यूज़ करती है इस फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी को, हर क्राइम में इस्तेमाल नहीं करती है।
तो अगर हमारा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल बनेगा तो ये जो हमारा फेशियल रिकॉग्निशन, ये भी एक प्रकार का पर्सनल डाटा है। तो अगर एक बार पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पास होता है तो उसमें क्लियर कट रेगुलेशंस होंगे कि हाँ भाई आपका पर्सनल डाटा मतलब आपका फेशियल रिकॉग्निशन कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल नहीं करना है। अभी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है नहीं और आप फेशियल रिकॉग्निशन को इस्तेमाल किए जा रहे हो पुलिस, तो ये तो काम गड़बड़ है ना। और दिस इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी की बात की जाए तो ये जो KS पुट्टू स्वामी केस था आपका 2017 का, केस पुट्टू स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में राइट टू प्राइवेसी की बात की गई। तो राइट टू प्राइवेसी को वायलेट नहीं किया जा सकता, और अगर आप राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हो तो उसको वायलेट करने के लिए आपके पास तीन रीजंस होने चाहिए। पहला रीजन ये होना चाहिए कि आपके पास कोई लॉ होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप लॉ को वायलेट राइट टू वायलेट करो। दूसरा रीजन कि एक लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट होना चाहिए वहाँ पे, और ओवरऑल प्रोपोर्शनेट होना चाहिए पूरा का पूरा काम। प्रोपोर्शनेट मतलब कि सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है कि आप जो ऑब्जेक्टिव परस्यू कर रहे हो और उस ऑब्जेक्टिव को परस्यू करने के लिए जो आप एक्शन ले रहे हो वो दोनों एक दूसरे के साथ मेल खाएं। तो ऐसा नहीं है कि आपको परस्यू कुछ और करना है और आप उसके लिए एक्शन कुछ और ले रहे हो। तो अगर ये तीन लॉजिक पूरे होते हैं, वैसे तो KS पुट्टू स्वामी के तीन क्या कारण है ये मैंने पहले कई बार आपके साथ डिस्कस किए हैं, अब एक एक कारण के बेसिस पे इनको समझते हैं। पहला तो ये है कि ये जो फेशियल रिकॉग्निशन NAFRS वाला जो नया सिस्टम लाया गया है ये इस बेसिस पे फिट नहीं बैठता कि इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। यहाँ पे कोई स्टेटरी लॉ नहीं है जिसको बैन करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हो। कहाँ लिखा है? डीएनए टेक्नोलॉजी यूज इन एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2018 में। बट इस प्रकार का कोई भी बिल NAFRS के लिए नहीं है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए नहीं है। बस स्पेशल रिकॉग्निशन सिस्टम को 2009 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर लिया था कांग्रेस की पार्टी के दौरान, और अब इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये प्रोपोर्शनैलिटी के टेस्ट को भी बिल्कुल फेल कर देता है, क्योंकि बात यह है कि अगर आप एक क्राइम के लिए किसी को पकड़ने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन कर रहे हो, आप करोगे मास सर्वेलेंस। मास सर्वेलेंस मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का ठगो, मान लो एक घर में डकैती हुई। अब डकैती बड़ा सा कपड़ा पहन के आया था, अब उस कपड़े में छोटी सी दो आंखें दिख रही, अब उन दो आंखों के और छोटे से उसके जो चेहरा दिख रहा है उसके आधार पर ओवरऑल आप पूरे शहर के लोगों की जो फोटो आपने CCTV पे ले रखी है, उनके ड्राइविंग लाइसेंस पे ले रखी है, फिर जो भी क्रिमिनल्स वगैरह पकड़े गए थे वहाँ पे जो प्ले कार्ड्स पकड़ के फोटो खिंचाई जाती है, जैसा कि आपने इस पाब्लो एस्कोबार वाले नार्कोज में देखा होगा, जैसा कि न्यूयॉर्क करके एक जॉन अब्राहम लेके प्रो कार्ड खड़ा था, तो इस प्रकार की फोटोज के आधार पर आप मास सर्वेलेंस कर सकते हो। तो एक चोरी या एक डकैती को पढ़ने के लिए आप पूरी की पूरी जनता पे मास सर्वेलेंस करो, ये प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट यहाँ पे पास नहीं होता है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो डेफिनेटली फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो उसका एक प्रॉपर नियम कानून होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, आप इस्तेमाल करो, लेकिन आप इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रॉपर लॉजिक के हिसाब से करो। कोई ऐसा नियम कानून हो जो इस बात की लिमिट्स तय करे कि हाँ भाई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। और मान लो फेशियल रिकॉग्निशन डाटा आता भी है सरकार के पास तो उसको किस प्रकार से सेव करना है, कौन कौन से केसेस में उसका इस्तेमाल होगा, कैसे उसको सेव गार्ड किया जाएगा, कब उसको डिलीट करना है, इसके पूरे डिटेल्ड लॉ होने चाहिए। और अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली दिस इज वायलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये व्यू पॉइंट दिया है यहाँ पे फैजन मुस्तफ़ा साहब ने और उत्कर्ष लियो ने, दोनों ही नलसर यूनिवर्सिटी में है, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च में है हैदराबाद में। फैजन मुस्तफ़ा वाइस चांसलर हैं और उत्कर्ष लियो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो ये एक व्यू पॉइंट था, अच्छा व्यू पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आज मैं थोड़ा जल्दी वीडियो ले आया हूँ, वैसे तो अब इतनी जल्दी लाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि 6 बजे से पहले ही मिल रही है आपको वीडियो, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। आपका फर्ज ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करो, आप शेयर करोगे मुझे बहुत मदद मिलेगी। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, गुड बाय।